नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र में बीती रात दो अलग अलग इलाकों में गोलीबारी हुई। इस दौरान हतिया नाला के पास बदमाशों ने दो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गंगानगर निवासी रोहित कुमार और नगर निवासी सन्नी कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों युवक एक यूट्यूबर का वीडियो देखने हतिया नाला के आसपास गए थे, जहां बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आसपास के लोगों की माने तो घटना के वक्त कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें मृतक रोहित के पेट के आसपास गोली लगी, जबकि दूसरे मृतक सन्नी के पीठ में गोली लगी है। दोनों युवक आसपास के ही रहने वाले थे और एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र भी बताए जा रहे हैं। मृतक रोहित खेतीबाड़ी का काम करता था और सन्नी अपने पिता के साथ ड्राइवरी का काम करता था। हालांकि दोनों की मौत के स्पष्ट कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात तलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक सन्नी के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया है, जबकि पुलिस घटना के कारण में पैसे के लेन देन को लेकर आशंका जाहिर कर आगे की कार्यवाही कर रही है। बहरहाल एक ही थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की घटना ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती का सवाल खड़ा कर दिया है। कल बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो युवक रोहित और सन्नी दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच किया। मैं खुद भी पीओ पे गया था और इस घटना में हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसमें पुलिस को कुछ सुराग मिला है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। हत्या का कारण क्या लग रहा है? हत्या का कारण अभी तक घर वालों से पूछताछ हम लोगों ने किया है, कुछ पैसे और लेन देन का ही विवाद बताया जा रहा है और जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो इसमें और स्पष्ट कहा जा सकेगा कि हत्या कारण क्या था। जानती है तब अपना बच्चा के मेहनत रखती है। ये घर से कितना बजे निकला? तब 5 मिनट रास्ता भी न चल, नीचे चाय बगले में नीचे हथियार ला रहे हैं नीचे। मतलब किन्हीं से इनका दुश्मनी था? अम्मा की जाने के लिए मतनी और चाचा, फिर भी किन्हीं से भी झगड़ा से खो। भागलपुर में पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अपराध में इजाफा हुआ है। एक तरफ पुलिस के आला अधिकारी क्राइम मीटिंग में व्यस्त होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर हत्या जैसे संगीन मामलों को अंजाम देते हैं। आज की अगर बात करें तो एक ही थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। पहला मामला जहां 1,000 रुपये रंगदारी नहीं देने पर सेंटरिंग मिस्त्री को गोली मारी जाती है, वहीं दूसरी तरफ दो युवाओं को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों युवक किसी यूट्यूबर का वीडियो देखने गए थे जिस वक्त यह घटना हुई। हालांकि घटनास्थल पर सिटी एसपी ने स्वर्ण प्रभात ने खुद जायजा लिया है, जबकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह से एक ही थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर भी यह सवाल होगा। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए अपने सहयोगी सलमान अनवर के साथ ईशुराज। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आपदा या गैर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 80 आश्रितों के बीच 3,20,00,000 की राशि की स्वीकृति पत्र दे दिया है। इसको लेकर डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार किसी भी आपदा से प्रभावित परिवारों या मृतक के आश्रितों को अविलंब सहायता राशि का लाभ दिया जाना है और इसी को लेकर सभी आपदा परिवार के सदस्य को राशि जारी कर दी गई है, जो CFMS के माध्यम से खाते में भी 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। वहीं इस दौरान मुआवजा राशि का स्वीकृति पत्र मिलने के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बता दें कि बिहार सरकार के निर्देश पर विभिन्न प्रकार से होने वाली आपदा से प्रभावित परिवारों को जांच के बाद सहायता राशि दिया जाता है, लेकिन कई बार प्रक्रिया में होने वाली देरी के कारण पीड़ित परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि का स्वीकृति पत्र डीएम के द्वारा सौंप दिया गया है। आज 80 ऐसे परिवार के जो निकटतम आश्रित हैं, जिनके परिवार की सदस्य की मृत्यु किसी आपदा या गैर प्राकृतिक आपदा में हुई है, तो उसमें 3,20,00,000 की राशि अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों को प्राप्त हुई थी। सब में रिकॉर्ड स्वीकृत करके और सब लोगों को यहाँ बुला करके हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दे दिया है और CFMS के माध्यम से राशि भी ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो उनके खाते में अगले 2 से 3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि
कि भरसंभव जो सहायता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना निर्देश है कि आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्क्षण सहायता पहुंचाई जाए और इसमें राशि की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है, तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 80 परिवारों को 3,20,00,000 रुपया उनके खाते के माध्यम से हस्तांतरित किया है और उनको स्वीकृति पत्र भी जो है वो भी उपलब्ध करा दिया गया। जमुई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरसंडा इलाके में सोमवार की सुबह अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें गोली सीधे युवक के सीने में जा लगी। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र गोप नामक युवक सुबह अपने खेत में कुछ काम कर रहा था, तभी वहां पहुंची अपराधियों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र गोप अचेत होकर गिर पड़ा, जबकि इसकी सूचना मिलते ही उसके परिजन वहां पहुंचे और इलाज के लिए आनंद फानंद में जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया। इधर घटना के कारण और अपराधियों का फिलहाल कुछ भी पता नहीं चला है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि घायल युवक वीरेंद्र गोप के भाई के साथ कुछ दिन पूर्व किसी बालू तस्कर की झड़प हुई थी। हालांकि पुलिस घटना के हर बिंदुओं पर जांच कर मामले का खुलासा करने में जुट गई है। क्या गोली लगा? वीरेंद्र गोप। पिताजी का इनका दासो यादव। क्या हुआ इनके साथ? अब पता नहीं, नदी घाट तरफ से आ रहा था, उधर से मतलब ए सी पकड़ ले और बोल भी नहीं पाया। हाँ। तब तक मैंने इसको हम यहाँ तक लिखाया, होश होता तब तो पूछते क्या हुआ नहीं हुआ, तब ना बताते। तो पहले से भी किसी से विवाद हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। नहीं, जगह जमीन का कुछ ऐसा कुछ? कहाँ घर है इनका? गरसंडा। कितने बजे के आसपास ये मैंने लमसम हो गया 7-7.30 बजे बीच में। 7-7.30 बजे प्रशासन की ओर से ट्रैफिक नियम के अनुपालन कराने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत राहगीरों द्वारा बनवे ट्रैफिक सिस्टम का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस जुर्माना भी काट रही है। बता दें कि शहर में ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए DSP प्रकाश कुमार के द्वारा लगातार सभी चौक चौराहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और चौक चौराहों पर पुलिसिया बंदोबस्ती ठीक तरीके से हो, इसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया। लेकिन शहर में ऐसे झपटमार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो पुलिस के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है। आज की अगर बात करें तो DSP प्रकाश कुमार द्वारा पुलिस जवानों को मुस्तैदी से मौजूद रहने के बावजूद झपटमारों ने बड़ी सफाई से एक वृद्ध व्यक्ति से 10,000 की छिनतई कर ली। दरअसल ये घटना मनाली चौक स्थित नगर निगम कार्यालय के समीप की है, जहां DSP द्वारा पुलिस जवानों को निर्देशित करने के बाद 3 अज्ञात झपटमारों ने एक वृद्ध से 10,000 रुपये की छिनतई कर ली। पीड़ित व्यक्ति नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपा नगर महाशय ड्योड़ी के रहने वाले हैं। मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि वह अपनी पत्नी मुन्नी देवी और पोती माही राय के साथ SBI मेन ब्रांच से पेंशन की रकम निकासी के लिए गए थे, जहां पहले से ही घात लगाए झपटमारों ने टोटो पर बैठाने के बहाने 10,000 रुपये लेकर फरार हो गए। सहदीप मंडल ने बताया कि वे पहले CTS में रसोईया के तौर पर काम करते थे और रिटायर होने के बाद वे अपनी पेंशन राशि लेने बैंक गए थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद 112 आपातकालीन वाहन के द्वारा पीड़ित परिवार को जोगसर थाने पहुंचा दिया गया। फिलहाल पुलिस पीड़ित के बयान पर आगे की कार्यवाही करेगी। हम सर बैंक से पैसा लेकर आ रहे थे, आया उसमें 10,000 का गद्दी रखे हुए थे, उसमें 3 आदमी था, 3 आदमी ने 1 आदमी चढ़ने लगे, इसको दोनों का चढ़ा दिया हमको और इसको हमको छोड़ दिया। हम कहें कि वो दोनों के क्या चढ़ाए तो हम भी चढ़ेंगे, बस एक को आदमी कहता है उतर जाओ तुम, उसको बैठने दो। एक बीच में जैसे बैठे जैसे अभी स्टार्ट कर रहा था टेम्पू के, तैसे हम पाकिट में हाथ देंगे, पैसा तो नहीं लिया, बस तुरंत पैसा गोल कर लिया।
भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में लंबित कांडों के जल्दी निष्पादन को लेकर रविवार को पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सिटी एसपी, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और जिले के सभी थानाध्यक्ष, एसएसपी ने लंबित कांडों के साथ मामले के निष्पादन से संबंधित जानकारी ली। वहीं एसएसपी ने अलग अलग तरह के करीब 300 लंबित कांडों और आपराधिक घटनाओं के निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न घटनाओं में फरार अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए, जिससे केस का निपटार जल्दी हो सके। वहीं एसएसपी ने एक ही थाना में 6 माह से अधिक की अवधि पूरा कर लेने वाले पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अलग थाना और कार्यालयों में तैनात 300 से अधिक पुलिस कर्मियों के पदस्थापन के नव पदस्थापन स्थान की सूची जारी करने की बात कही है। साथ ही ट्रांसफर किए गए पुलिस कर्मियों को सूची के अनुसार अविलंब योगदान देने का भी निर्देश एसएसपी ने दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।